हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी, या यूं कहें कि एसएससी कांस्टेबल जीडी, लेकिन साधारण बोलचाल में हम कहते हैं एसएससी जीडी 2024। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन एक बड़ा मसला यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहां पर उम्मीदें जो है वो टूट गई कि एज काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2024 से। यानी कि जो 1 जनवरी 2024 को 18 से 23 का होता है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकता है। 3 साल ओबीसी और 5 साल एससी एसटी छूट है। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला हमारे युवा जो हैं, युवा साथी, वो कि हम फाइट करना चाहते हैं इसको, इसमें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, रिलैक्सेशन का कोई आधार होना चाहिए। जो देखिए, कोविड वाला जो आधार है, वो कोविड वाला आधार तो कोविड के लिए तो भारत सरकार कहती है कि हमने 3 साल की छूट ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो कोविड वाला आधार इतना बड़ा आधार नहीं है। यहाँ पर एक आधार तो देखिए ये है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव इस बार किया गया है, क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा की गई है। दूसरा, जो राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन से कंसल्ट किया है, एक कैंडिडेट है हमारे आनंद, उनसे देखिए बात करते हैं और उनसे बात करके आपको क्या बात हुई, हमारी भी बात हुई है, लेकिन आनंद आपको बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो पार्टी हैं इसमें और वो इस पूरे मामले को लीड करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसी को तो आगे आना होगा, वो कोर्ट के पेपर्स पे सिग्नेचर भी होंगे, आपको किसी को इसमें आगे आना होगा। अब ऐसे जब भी मसले आते हैं सार्वजनिक हित वाले, तो उसमें क्या होता है कि कोई कैंडिडेट आगे आने में थोड़ा सा कोताही करता है, और आप लोग चाहते हैं कि एडवोकेट की नंबर शेयर कर दें या एडवोकेट से क्या मीटिंग हुआ है उसके बारे में बताएं, तो ये सब चीज़ें देखिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ग्रुप्स जो आपके बने हुए हैं उसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं, उसमें किस तरह के डिस्कशंस होते हैं वो भी मुझे बेहतर पता है। तो आनंद से देखिए बात करते हैं और क्या पॉइंट वकील साहब ने बताया है और कब से काउंट हो सकता है वो भी आनंद के साथ हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ आनंद, अभी वीडियो अभी चल रहा है अपना, तो आप एक तो अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आप कितने दिन से आप बाहर हो गए, ये थोड़ा सा आपका नाम पूरा डिटेल देखे बताना जरूरी है, अभी आप कैंडिडेट्स आपके साथ जुड़ पाएंगे, बताइए। हाँ सर, मैं एक प्रयागराज से हूँ, नाम सर आनंद, मेरी सर डेट ऑफ बर्थ 1/1/2001 है, तो यानी कि आप एक दिन से बाहर हो गए। मैं एक दिन से केवल बाहर हूँ। एक दिन से बाहर, तो आप आनंद पहले तो ये बताइए कि आप इसको लीड करने के लिए तैयार हैं पूरे मामले को? जी सर बिल्कुल मैं तैयार हूँ। लीड करने के लिए तैयार हैं आप? अब ये बताइए कि राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन के जो सर हैं, जो उनके टीम के लोग हैं, उनसे जो बात हुई थी उसमें हमारी भी कॉन्फ्रेंस पे आपने साथ में रखा था। हाँ, उस बात के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताइए, क्योंकि आप पक्षकार हैं तो कैंडिडेट्स जो हैं वो आपकी बात पर ज्यादा यकीन करेंगे। क्या पॉइंट उन्होंने बताए अपने को, मतलब जो अपने फेवर में है? सर जब मैंने उन्हें सुबह कॉल लगाया तो मेरा फोन उठा, मैंने बोला सर एसएससी जीडी 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है सर, इसमें एज काउंट 1/1/2024 से कर रहा है वकील साहब, सामने बोला। उन्होंने ये कहा बेटा तुम्हारी एज कितना, मैंने कहा सर अभी मैं 23 साल में 2 महीने मेरे कम है। जो बंदे अभी 18 साल के पूरे नहीं हुए उनकी तो भी शामिल कर लिया गया, जो 23 साल पूरा नहीं के अनुसार वो काम नहीं कर पाए। बिल्कुल, उन्होंने हमसे ये कहा कि बेटा ठीक है आप 23 साल के अंदर हो तो आपको जरूर मौका मिलेगा, हम आपके साथ हैं, आप इकट्ठा होइए, कम से कम जितने अधिक से अधिक लोग हो सकें आपको सपोर्ट जरूर मिले। उन्होंने बताया भी कि हमने 2-3 जगह में छूट पाया भी है। बिल्कुल, जो छूट दिलवाया वो मैं बता देता हूँ, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और उसके बाद सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, दोनों में छूट हुआ था। जी बिल्कुल। हाँ सर उन्होंने और भी कहा कि ये सब पीसी और एससी को भी उसी तरह छूट मिलेगी जिस तरह जनरल वाले बराबर उसी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यदि अपना 1 जनवरी 2023 से हो जाता है
तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा हो जाता है इसमें, फायदा हो जाता है। और यदि जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उस दिन से भी काउंट कर लेते हैं तो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा हो जाता है। हाँ सर, जितने बच्चे हो जाएंगे उसका उतना ही अच्छा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वन ईयर्स का मिले। बिल्कुल, ये तो जब तो आप लीड करने के लिए, देखिए आनंद जो है वो हमारे साथ लाइन पर हैं और आनंद लीड करने के लिए तैयार हैं। अब जो कैंडिडेट्स आनंद के साथ आना चाहते हैं वो आनंद के साथ आ सकते हैं। जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें बहुत सारे अनावश्यक डिस्कशन होते हैं। आनंद आप भी हैं उस ग्रुप में? जी सर, मैं भी हूँ। आप भी हैं? एक अभी एक नया ग्रुप बनाया है सर। जी, मैं आपको भी मैंने जोड़ के रखा है सर। तो अब देखिए आनंद ने नया ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। और फाइट करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो देखिए डिस्कशंस जो है वो ग्रुप में नहीं होंगे, वो आप लोग अपना एक छोटा जितना भी कैंडिडेट जुड़ सकते हैं, बड़ा जितने जुड़ सकते हैं, और वो जो सीरियस हैं देखिए वो लोग यहाँ पर जुड़ना, क्योंकि आप टाइम पास के लिए ना तो वकील साहब के पास इतना समय होगा कि आपको मीटिंग करें आपके साथ और आप कहें कि उसका हम वीडियो बनाएं, ऐसी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपने बात किया उनको कितना समय, मतलब कि आपको दिया होगा मुश्किल से 5 मिनट भी उनके लिए बड़े हैं। और बात काम भी कर रहे हैं, बेटा बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जेन्यून बात है उनकी कि कॉल पर जो बात करते हैं तो वो सबसे तो देखिए कॉल पर बात नहीं हो पाएगी। और दूसरे जो जो दूसरे कैंडिडेट अपने स्टेट में भी करना चाहते हैं फाइट, वहां भी कर सकते हैं। दिल्ली में SSC का हेडक्वार्टर है, दिल्ली में CRPF का हेडक्वार्टर है, दिल्ली में सभी फोर्सेज के हेडक्वार्टर हैं, और दिल्ली में ही भारत संघ के मंत्रालय जो हैं उनके मंत्रालयों के सभी के हेडक्वार्टर हैं। तो दिल्ली में ये रिट पटिशन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में यदि हम करते हैं तो दिल्ली में कर सकते हैं। आप प्रयागराज के आप रहने वाले हैं, आप प्रयागराज भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जहां का निवासी है वहां भी कर सकता है, लेकिन हेडक्वार्टर दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली में सहूलियत हमें रहेगी। सर दिल्ली में ही हमारा केस होगा क्योंकि दिल्ली के वकील साहब हैं जो कास्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एज रिलैक्सेशन ठीक है आनंद, हम बाद में आपसे बात करेंगे और आपका जो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं आभारी। ना देखिए आनंद, हम हमेशा साथ में हैं बच्चों के, और जो जेन्युइन पॉइंट है उसमें चाहे नॉर्थ ईस्ट का हाइट का इशू हुआ था उसमें अभी तक 2018 वाले ज्वाइन कर रहे हैं, या मेडिकल के बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अनफिट हो गए वो हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो हम आपसे बाद में जुड़ेंगे, आप भी व्हाट्सएप मैसेज करना, क्योंकि हम भी देखिए कॉल पर डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ये आपको ही पता है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों आनंद पाठक हैं प्रयागराज के कैंडिडेट, इनसे बात हुआ। और राधे कृष्ण लीगल एड फाउंडेशन एक बहुत ही जाना माना नाम है, उनको किसी तरह के परिचय की जरूरत नहीं है कि हम उनके बारे में बताएं। पहले दो हमारे बड़े केस एज रिलैक्सेशन को लेकर हो चुके हैं और उसमें सफलता मिली है। इसके अलावा मेडिकल के, हाइट के, ऐसे तो बहुत मतलब कि नंबर ऑफ केसेस हैं ऐसे कि जिनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो देखिए हाइट सॉरी एज रिलैक्सेशन तो सबको चाहिए, लेकिन जो ग्रुप एक आपका बना हुआ है 400 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें किस तरह के आप लोग डिस्कशंस करते हैं वो डिस्कशंस एक सभ्य समाज में अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो कैंडिडेट आनंद के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आनंद पाठक प्रयागराज कैंडिडेट हैं, 1 जनवरी 2001 है उनका, यानी कि 1 की जगह यदि 2 होता तो आनंद इस फाइट में नहीं आते, आनंद तैयारी की फाइट में जाते। ऐसे आनंद की तरह एक नहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। और जो वकील साहब से जो बात हुआ है उसमें नोटिफिकेशन की उन्होंने जो स्टडी की है और जो पूरा हम लोग जो बात कर रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी भर्ती इस बार मौका मिला है, तो इसको ये जो 24 है 24 की जगह यदि 23 किया जाए, ये मांग उसमें चांसेस हैं। कि अब देखिए मांग तो हम 3 साल का भी रख सकते हैं, लेकिन वो मांग जो है वो उसको कोई आधार होना चाहिए उसका, कि ऐसा नहीं है साहब कि हम ओवर एज हो गए इसलिए छूट दी जाए। नहीं, ओवर एज आप हो गए तो आपको पहले मौका मिला था, आपको
आपके वकील साहब आपकी बात रखेंगे, जो मंत्रालय की तरफ से जो वकील साहब होंगे वो उनकी बात रखेंगे, एसएससी की तरफ से जो होंगे वो एसएससी की बात रखेंगे, और सबका पक्ष सुनने के बाद भी माननीय न्यायाधीश महोदय इसमें फैसला देंगे, तो चांसेस जो हैं वो देखिए 1/8/2023 के चांसेस हैं, और वो भी बात नहीं बनती है तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस दिन तक जो कैंडिडेट 23 साल के नहीं हो रहे हैं उनके तो पूरे पूरे चांसेस हैं, और उस 23 के अनुसार 3 साल की छूट ओबीसी की प्लस 5 साल की एससी एसटी की। तो देखिए दोस्तों एक प्रयास है, अब बार बार मैं आपको एक बात कहता हूं कि कोई भी जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत का। आप में से आनंद की तरह किसी कैंडिडेट को आगे आना होगा। कई बार यहां पर यह होता है कि सुनवाई में आप लोग जाते हैं, डेट मिल गया कि कभी हताशा भी होती है कभी खुशी होती है कि हम तो एक चीज को लेकर फाइट करें कि हौसला आप रखेंगे और फाइट करेंगे तो उम्मीद होगी, और आप और हम यदि डिस्कस करते रहेंगे हम वीडियो बना देंगे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें डिस्कस कर लेंगे और उसमें फिर दिल्ली चलो का नारा दे देंगे, ये सब देखिए फालतू ग्रुप में जो है वो आप गुजारिश है कि हमें नहीं जोड़ना। आनंद की तरह जो कैंडिडेट सीरियस है वो आनंद के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, हालांकि हम किसी के प्राइवेट ग्रुप का नहीं देते, लेकिन ये सार्वजनिक हित का मामला है, हजारों लाखों कैंडिडेट से जुड़ा हुआ मामला है, तो आनंद पाठक का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनके साथ जुड़ जाइए। जो प्रयागराज के ही यदि 20-25-30 कैंडिडेट हो जाते हैं तो भी बहुत है इसमें, लेकिन सीरियसनेस देखिए आपका होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप एक बना हुआ है पहले से उसमें जो बातें आप लोग करते हैं वो सभ्य समाज से अपेक्षा नहीं की जा सकती। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, शुभकामनाएं, जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी एयरफोर्स नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है, सिविलियन डॉक्टर को उन सबकी जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं, और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स BSF CRPF CISF SSB स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वही से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।